हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जसबीर कौर क्रिएशन। आज मैं आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा नेक बनाने जा रही हूँ विद जाली वाली लेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेक है उसमें हम मेजरमेंट कर लेते हैं। वैसे तो ये जो मैं नेक बना रही हूँ इसमें हम नॉर्मल नेक जो है वो हम 2.5 या 3 इंचज ब्रॉड रखते हैं, लेकिन ये जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ इसके लिए मुझे इसमें 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा रखना होगा। जैसे ये मैं 2.5 रखना है, लेकिन अभी मैं जो डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, मीन्स मैं इसको 4 इंचज पे ब्रॉड रखूँगी। ये हमने 4 इंचज पे मार्क कर लिया है। और जो इसकी लेंथ है, नॉर्मल जो है हमारे फ्रंट नेक जो होता है वो 7 इंचज होता है, लेकिन हम 1 इंच जो है इसकी लेंथ ज्यादा रखेंगे क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको थोड़ा सा 1 इंच बड़ा ही रखना है। और यहाँ से भी इसको हम रखेंगे, यहाँ से हम इसको 1.5 रखेंगे। ये हमने 1.5 पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे इसको लाइन लगा देंगे। ओके फ्रेंड, ये हमारे सिंपल नेक का मेजरमेंट है। हमें जैसे ये यहाँ पे मेजरमेंट किया है सेम हम ऐसे यहाँ से यहाँ इस साइड भी मेजर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ये दोनों साइड में सेम मार्किंग कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 या 1.5 इंच जो है यहाँ से मार्जिन जैसे छोड़ते हैं, ऐसे यहाँ से मैंने ये 1.5 जैसे यहाँ पे छोड़ दिया है, ऐसे यहाँ से 1.5 छोड़ेंगे, सेम ऐसे यहाँ से 1.5 और यहाँ से भी 1.5। ओके फ्रेंड, ये सब जगह से हमने 1.5 जो है यहाँ पे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे जैसे हमने यहाँ पे रखा था यहाँ से हम ऐसे मार्क करेंगे। सेम हम ऐसे यहाँ से भी करेंगे। और यहाँ से हम यहाँ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अभी जब हम इसकी कटिंग करेंगे हम यहाँ से इसको ऐसे तिरछा यहाँ पे मार्क लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ऐसे इसमें मार्क लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। और यहाँ से इसको पीस को कट करके इसको अलग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे ये हमारा मेन जो हमारा मार्किंग की हुई है यहाँ से इसको ऐसे अंदर की साइड जो है फोल्ड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से तीनों साइड से इसको फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसको सीधा करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमारा जो नेक है वो ऐसे तैयार हो जाएगा। अभी इसमें मेन जो है हमारा जो अभी डिजाइन है वो हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ये ऐसे जो नेक रेडी किया है इसको हम साइड में रख देंगे। और ये मैंने ऐसे दो जो है पट्टियां तैयार की हैं। इसकी जो लेंथ हमने रखी हुई है ये 13 सेंटीमीटर है, इंचीज है सॉरी। और ये यहाँ से दोनों जो है 13 सेंटीमीटर इंचीज पे है। और जो इसकी विड्थ है वो 3.5 इंचीज पे है। अब हम ऐसे या कोई भी आपके पास जाली वाली लेस है आप उसको ऐसे लीजिए, उसको हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ इसके किनारे किनारे सिलाई करेंगे।
अभी हम ये जो है क्लॉथ इसकी सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ऐसे लेस रखेंगे और यहाँ किनारे किनारे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अभी इसी फैब्रिक को ऐसे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे। वैसे तो ये मेरा थोड़ा सा थ्री थ्रू है, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा वैसे तो मैं इधर से ऊपर से भी सिलाई यहाँ पे लगा सकती हूँ। अगर आप यहाँ ऊपर से नहीं लगाना चाहते तो ये जैसे हमने ये यहाँ पे सिलाई लगाई है आप इसके साथ साथ सिलाई भी लगा सकते हो। जैसे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको ये टर्न किया और यहाँ से ऐसे इसके साथ साथ फिर से इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। जो लैस हमारी है वो अंदर की साइड है। अभी हम क्या करेंगे, इसको बाहर की साइड ऐसे इसको ट्विस्ट कर लेंगे। आप पेन या पेंसिल की हेल्प लेके इसको जो है ट्विस्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। जैसे हम इस ऐसी पट्टी तैयार करेंगे सेम ऐसे हम दूसरी पट्टी भी तैयार करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ये दोनों जो है पट्टियां रेडी कर ली हैं। अभी हमने जो नेक रेडी पहले किया था उसको लेंगे, इसको इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई लगाएंगे। सेम हम ऐसे इस साइड में भी करेंगे। इसको ऐसे ये हम फोल्ड कर दें, इसको भी ऐसे इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। ये ऐसे सेट हो जाएगा और यहाँ इसके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए यहाँ से ऐसे टर्न लेके यहाँ पे सिलाई को एंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ये दोनों जो है पट्टियां यहाँ पे सिलाई कर दी हैं। ये हमारा खूबसूरत जो नेक के जो रेडी हो गया है। नेक डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइस।